स्टूडेंट कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे हम क्या पढ़ने वाले हैं, डॉक्यूमेंट्स। डेफिनेशन क्लोज चल रहा है, उसकी लास्ट डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट्स। देखिए डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, कि हमने पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट से ही एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इंपॉर्टेंट एविडेंस है, यानी कि कोई चीज़ लिखी हुई है। जनरल अगर आप देखेंगे तो डॉक्यूमेंट क्या होता है, हम कुछ लिखते हैं, मगर जब हम एविडेंस की बात करते हैं तो इसको थोड़ा और ब्रॉड लेवल पे हमको जानना होता है कि डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। एनी मैटर, ठीक है, कोई भी चीज़ वो कैसे हो, एक्सप्रेस्ड बाय वर्ड्स, फिगर्स और मार्क्स या ऑल ऑफ दिस और मोर देन वन, ऑल ऑफ दिस और हम इसको ये भी लिख सकते हैं ऑल ऑफ दिस ना करके और मोर देन वन, राइट तरीके से लिखा जाए। एनी मैटर एक्सट्रैक्ट बाय वर्ड्स फिगर्स और मार्क्स, और ये कहाँ पे हो, ऑन एनीथिंग, किसी भी चीज़ पे। अभी क्योंकि एनीथिंग है तो आप ये देखो, हम पेपर की बात नहीं कर रहे सिर्फ, ये किसी भी चीज़ पे अगर इम्प्रिंट कर दी जाए, ये चीज़ें बना दी जाएं तो, और किस पर्पज़ के लिए बनाई जाएं, क्योंकि जब बनाई जाएं तो इंटेंडेड और मे बी राइट उस डॉक्यूमेंट पे फिक्स करने के लिए ही बनी जाए, उनकी इंटेंशन ही यही हो कि ये जो हम बना रहे हैं ये डॉक्यूमेंटेड करना है, इसका मतलब है प्रोक्योर करने के लिए, ये इंटेंशन ही यही हो और मे बी राइट फॉर पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग इट, राइट रिकॉर्डिंग इट और रिकॉर्डिंग देम। अब आप देखिए, जब हम इन चीज़ों को एक थोड़ा सा फ्रेगमेंटेड करेंगे कि कोई भी मैटर अगर एक्सप्रेस करा जाता है वर्ड से, यानी आप सेंटेंसेस लिख सकते हो, फिगर्स बना सकते हो, मार्क्स बना सकते हो, ऑन एनीथिंग, ये जो ऑन एनीथिंग है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ पे आप लिखोगे। पेपर तो एक यूजुअल मोड है ही, सबने देखा है पेपर पे लिख दिया, उसके अलावा आपने जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे हैं, इट इज़ नॉट पेपर, बट अगर हम इसी को रिकॉर्डिंग पर्पस से ही कर रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट है। आपने एनवायरमेंटल लॉ में या इन जनरल देखा होगा, बड़ी बड़ी चट्टानों पे कुछ लिख दिया, वो भी क्या है, डॉक्यूमेंट है। एक बंदे ने अपना सुसाइड लेटर लिखा, पेपर पे लिख दिया, डॉक्यूमेंट है। कपड़े पे लिख दिया, अपने ही जो कुर्ता शर्ट डाली थी उस पे लिख दिया, डॉक्यूमेंट है। मान लो दीवार पे लिख दिया, अपने ब्लड से लिख दिया, डॉक्यूमेंट है। तो इसका मतलब ये नहीं है दीवार उठा के लाएंगे, फिर सेकेंडरी एविडेंसेस आर देयर। मगर वो जो चीज़ एक मार्क्स वर्ड्स या फिगर या कुछ भी बना दिया ना, और अगर वो फॉर पर्पज़ ऑफ रिकॉर्डिंग है, उसको रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वो, तो वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसका मतलब है लिथोग्राफ करा जाए, स्टोन्स पे लिखा जाए, कैरिकेचर पे हो, मेटल पे हो, आपने देखा होगा किसी को प्राइज मिला है मान लो और उस पर वो लिखा हुआ है, दैट इज़ डॉक्यूमेंट। सो एनीथिंग रिटन ऑन एनीथिंग, राइट, एनीथिंग रिटन और एनीथिंग बाय द मीन्स ऑफ वर्ड्स फिगर और मार्क्स फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग इट, इट बिकम ए डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब हमारे दिमाग में ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट सिर्फ ये पेपर्स नहीं हैं, जो जनरल जो हम आम बोलचाल की भाषा में डॉक्यूमेंट जिनको कहते हैं, उसके अलावा भी बाकी चीज़ें हैं जहाँ पे ये एक्सप्रेस हो रहा है, वो भी डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। तो जब हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस की बात करते हैं तो वो सभी एविडेंसेस जो इस तरीके से क्रिएट करे गए हों, वो प्रूफ में लाए जा सकते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और फिर डॉक्यूमेंट्स फर्दर टू टाइप के हमने पढ़े, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसकी डिटेल भी हम पढ़ेंगे आगे। तो वो जो प्राइमरी सेकेंडरी है उनको प्रूव करने का तरीका कैसा रहेगा कि वो डॉक्यूमेंट्स है कहाँ पे रिकॉर्ड, राइट। मान लो कोई बड़ी चट्टान पे है तो वो देखो है तो डॉक्यूमेंट, बट हाउ इट इज़ प्रूव्ड, उसका एविडेंस कैसे लाया जाएगा। पेपर है तो कैसा लाया जाएगा, वुड है, वुड पे है तो क्या लाया जाएगा, जैसे बोर्ड पे है, किसी और चीज़ पे है, राइट। तो ये कहलाते हैं डॉक्यूमेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, ठीक है।
कुछ और आपका क्वेश्चन हो, क्योंकि डेफिनेशंस ख़त्म हो गई हैं, कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट में पोस्ट कीजिए, और बाकी वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। गुड बाय।